नमस्कार दोस्तों, मैं संजय, स्वागत है आपको मस्ती क्लब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे सेटिंग के बारे में बताऊंगा फ्रेंड्स, जो कि ऑल सैमसंग यूजर्स के लिए ये सेटिंग है फ्रेंड्स, अगर आप सैमसंग का फ़ोन यूज कर रहे हैं तो फ्रेंड्स। एक्चुअली फ्रेंड्स, इस सेटिंग की सहायता से आप चाहेंगे कि आप अपना नोटिफिकेशन बार को सिर्फ लॉक करना चाहेंगे तो सिर्फ आपका नोटिफिकेशन बार लॉक होगा। आप चाहेंगे फ्रेंड्स कि आपका फ़ोन डायलर है जो सिर्फ लॉक हो तो आपका फ़ोन डायलर ही सिर्फ लॉक होगा फ्रेंड्स, जो कि ये सैमसंग माई बिल्कुल ही यूनिक फीचर है फ्रेंड्स। अगर आपको ये फीचर के बारे में जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से देखें, आप भी करना सीख जाएंगे। जिस भी चीज़ को चाहें कि आप लॉक करना चाहेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से लॉक कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड किए। ये आपका सैमसंग का मोबाइल में ये सेटिंग एक्चुअली में रहता है फ्रेंड्स, तो बहुत ही आसानी से आप किसी भी, जैसे कि चाहे नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स आप चाहेंगे कि फोन डायलर को है उसको लॉक करना चाहें तो उसको लॉक कर सकते हैं, जो चाहे, या फिर चाहे आप पूरा स्क्रीन को लॉक करना चाहेंगे फ्रेंड्स तो पूरा स्क्रीन को भी लॉक कर सकते हैं, जो कि ये सैमसंग का बिल्कुल ही यूनिक सेटिंग है फ्रेंड्स। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं ये फीचर, ये सेटिंग कहां पर है और इसको किस तरह यूज किया जाता है, किस तरह किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने के पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब कर लें, जो रेड कलर का फ्रेंड्स इसके ऊपर आप क्लिक कर दे फ्रेंड्स। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो बेल आइकन घंटी आएगा फ्रेंड्स, तो इसके ऊपर यहाँ पे आप क्लिक कर दे फ्रेंड्स। जैसे ही क्लिक करिएगा फ्रेंड्स तो यहाँ पे एक ऑल का ऑप्शन आ जाएगा फ्रेंड्स, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि मैं जब भी कोई वीडियो डालूंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा फ्रेंड्स। वीडियो आपको अच्छा लगे फ्रेंड्स तो यहाँ से इसको लाइक भी कर दे फ्रेंड्स, और यहाँ जाकर सबसे नीचे जाकर फ्रेंड्स यहाँ से आप कॉमेंट्स भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं किस तरह वो सेटिंग को यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन बार में चले फ्रेंड्स, उसके बाद सेटिंग में चले फ्रेंड्स। सेटिंग में आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एसेसिबिलिटी में चले फ्रेंड्स। एसेसिबिलिटी में जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आने के बाद इंटरेक्शन एंड डिसेबिलिटी पे जाना है फ्रेंड्स, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। इंटरेक्शन कंट्रोल के ऊपर यहाँ पे इसको ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखें इसको ऊपर यहाँ पे आप क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको यहाँ से आप ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप बैक चलें, सीधे बैक जाना होगा फ्रेंड्स। बैक जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखें जो वॉल्यूम लो बटन है और इसको होम बटन, इसको दबाएंगे थोड़ी देर के लिए फ्रेंड्स तो ये आपका सिस्टम काम करने लगा। तो देखिए मैं इसको वॉल्यूम लो बटन और इसको ऊपर मैं दबाता हूँ फ्रेंड्स। तो जैसे ही दबाएंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे इसको ओके कर दे फ्रेंड्स। ओके करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो भी करना है फ्रेंड्स। देखिए मान के चलिए मेरे को नोटिफिकेशन वार को इसको खत्म वर्क ना करे, तो देखिए मैं इसको नोटिफिकेशन वार को मैं यहाँ से बंद करना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ से इस तरह आप कर दें, उसके बाद यहाँ से डन कर दे फ्रेंड्स। डन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा नोटिफिकेशन वार है जो कि अब काम नहीं कर रहा है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं इस तरह बैक बटन भी नहीं काम कर रहा है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे कुछ भी करूँगा तो यहाँ पे बैक बटन भी अब काम नहीं करेगा। देखिए फ्रेंड्स बैक बटन भी नहीं काम कर रहा है, यानी कि इसमें मैं जो भी कुछ खोल दूंगा फ्रेंड्स तो दोबारा मेरा वो खोल दूंगा फ्रेंड्स तो बैक नहीं जाएगा फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं यहाँ पे बैक नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। देखिए ये इस तरह आप करेंगे बैक तो बैक भी नहीं जाएगा, तो उसके लिए फिर आपको मान के उसको डीएक्टिवेट करना है। देखिए इसको मैं वॉल्यूम लो बटन और इसको होम बटन को इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ फ्रेंड्स। देखिए तो फिर से ऐसा हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ से आप अपना लॉक खोल लें, अब ये आपका रियल मोड में आ गया फ्रेंड्स, जैसे कि आप जैसा स्टार्टिंग में होता था वो हो गया फ्रेंड्स। मान करते आपको पूरा स्क्रीन को इसको बंद करना है फ्रेंड्स, तो फिर से इसको वॉल्यूम लो बटन और इसके बाद होम बटन को दबाएं फ्रेंड्स। इस तरह दबाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखें, इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखें पूरा स्क्रीन को इसको आप चाहते हैं कि एकदम ब्लॉक कर दे फ्रेंड्स। तो देखें इस सिचुएशन में इसको आप क्लिक कर दे फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे डन कर दे फ्रेंड्स। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स कि अब आपका ये होम बटन भी है जो कि काम नहीं करेगा फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे होम बटन भी नहीं काम कर रहा, कुछ भी नहीं यहाँ पे आप काम कर रहा है फ्रेंड्स। जैसे इसको भी आप करना चाहेंगे तो यहाँ पे नहीं होगा फ्रेंड्स, तो इसको भी करेंगे तो नहीं होगा। इसके लिए क्या करना होगा फ्रेंड्स, इसके लिए करना होता था वॉल्यूम लो बटन और उसके बाद होम बटन। इसके आपको क्या अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पावर बटन और यहाँ पे वॉल्यूम हाई बटन, तो इसके ऊपर आप यहाँ इस तरह करिएगा तो इसको हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ फ्रेंड्स, देखिए तो यहाँ पे आ गया फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरह खुल गया फ्रेंड्स। अगर पूरा स्क्रीन को कर दीजिएगा फ्रेंड्स तो यहाँ पे वॉल्यूम हाई बटन और इसको पावर बटन को आप दबाइएगा एक साथ, तब ये खुल जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कॉमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो जब तक के लिए बाय दोस्तों।